नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सी टेट की जो एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित होनी है। इसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं दोस्तों। तो इससे पहले आपका एक नॉर्मलेशन को लेकर एक नोटिस आया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। कल ये नोटिस आया था कि आपकी जो पेपरों में दोस्तों नॉर्मलेशन किया जाएगा। तो सी टेट में दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉर्मलेशन किया जा रहा है। नॉर्मलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है दोस्तों? क्या अब आपके 90 और 82 नंबर पर आपका सी टेट क्वालिफाइड होगा या फिर नहीं होगा दोस्तों, वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। अंतिम दिन में आपको कैसे पढ़ाई करने दोस्तों, 100% इससे आपका पेपर है दोस्तों वो पास हो जाएगा। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मलेशन के बारे में। तो दोस्तों नॉर्मलेशन की ज़रूरत है वो इस बार क्यों पड़ी है दोस्तों, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। आप सबको पता होगा पहले जो सी टेट की एग्जाम होती थी दोस्तों वो एक ही दिन होती थी और सबका जो पेपर आता था दोस्तों वो भी एक ही आता था। लेकिन दोस्तों अब आपकी सी टेट की परीक्षा दोस्तों पारियों में आयोजित होगी, 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक, यानी कि अलग अलग दिन में अलग अलग पारी रहेंगी और अलग अलग पेपर भी आपके छपेंगे। तो ऐसे में दोस्तों इन पेपरों का, काफ़ी सारे पेपरों का लेवल दोस्तों अलग अलग लेवल रहेगा। किसी पेपर का जो लेवल रहेगा दोस्तों वो थोड़ा लो रहेगा, किसी का हाई रहेगा। तो इसको देखते हुए नॉर्मलेशन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि नॉर्मलेशन कैसे लागू किया जाता है ये आज तक किसी को नहीं पता है दोस्तों, लेकिन नॉर्मलेशन से दोस्तों आपको इसमें नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। तो जिन स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर होते हैं दोस्तों उनको इसका नुकसान झेलना पड़ता है, जिन स्टूडेंट के कम नंबर होते हैं दोस्तों उनको इसका फ़ायदा होता है। कैसे होता है चलिए एक बार बता देता हूँ। तो नॉर्मलेशन दोस्तों क्या होता है कि पेपर को लेवल का, अगर मान लो आपने एग्जाम दिया है, आपके पेपर का लेवल हार्ड आया है और आपने दोस्तों इसमें दोस्तों आपके जो नंबर ज़्यादा भी आए हैं तब भी दोस्तों, और दूसरे पेपर में दोस्तों लेवल लो आया है, तो इसका जो स्तर है दोस्तों पेपरों का वो एक समान किए के लिए दोस्तों आपके नंबरों को घटाया और बढ़ाया जाता है। ये नॉर्मलेशन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। क्या आपका नंबर पर, आपको पता होगा दोस्तों जनरल कैटेगरी में 90 नंबर, बाकी कैटेगरी में दोस्तों 82 नंबर आपको लाने होते हैं। लेकिन दोस्तों अब इतने नंबर पर आपका सी टेट क्वालिफाइड नहीं होगा। जी दोस्तों, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं 90 नंबर ले आऊँगा तो मेरा सी टेट क्वालिफाइड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको इससे कम से कम 10 नंबर प्लस ऐड करके चलना है। जी दोस्तों, लगभग आपको 100, और यहाँ पर अगर आप अदर कैटेगरी में हो तो लगभग दोस्तों आपको जो है 98, यानी कि आपको 100+ टारगेट लेके चलना है दोस्तों, तभी आपका जो सी टेट है दोस्तों वो क्वालिफाइड हो पाएगा, ना आगे आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये दोस्तों मेन मुद्दे की बात है। नॉर्मलेशन को आज तक कोई भी नहीं समझा कैसे लागू किया जाता है, किस प्रकार से नंबरों को घटाया और बढ़ाया जाता है दोस्तों। लेकिन आपको फोकस करना है अभी दोस्तों कि आपके जो है कम से कम 100 नंबर होने चाहिए और अधिक से अधिक स्कोर करने की सोचें दोस्तों, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं होती है तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है दोस्तों। और आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर पर एक बार दोस्तों आप मॉक टेस्ट जरूर दे लेना, साइड आपको मिल जाएंगे दोस्तों गूगल पर, आप सी टेट की मॉक टेस्ट एक बार जरूर दे लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ अंतिम दिनों में क्या पढ़ना है। तो अंतिम दिनों में दोस्तों आपको जो है अब थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आपको CDP जो भी आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड, उन पर दोस्तों फोकस करना है, मैथ पर दोस्तों फोकस करना है, और एक दोस्तों आपका EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन, इन पर दोस्तों आपको फोकस करना है। इनकी जो पिछले के मॉडल पेपर हैं उनको देख लेना है एक बार, और उसी के साथ आपको जो पेपर का लेवल इस बार इजी रखा जाएगा, हालांकि जो पेपर पूछने का, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो आराम से सी टेट क्वालिफाइड हो जाएगा दोस्तों। नॉर्मलेशन इस बार किया गया है तो आप ये ना सोचें कि 90 नंबर पर मेरा दोस्तों जो है सी टेट क्वालिफाइड हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा प्रोसेस है, आशा करता हूँ आपको नॉर्मलेशन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं सभी के, जो उनके एग्जाम दोस्तों 16 दिसंबर से 1 जनवरी तक हैं उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बाकी के दोस्तों एडमिट कार्ड दोस्तों जैसे उनका जो एग्जाम खत्म हो जाएगा तो 1 जनवरी वालों के एडमिट कार्ड भी दोस्तों जल्दी ही रिलीज हो जाएंगे, लगभग आपके दिसंबर के लास्ट वीक में। तो अभी इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सी टेट की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। पेपर कल दोस्तों आपका कैसा आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।